डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. आज अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति ने दम तोड़ा है और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है. ये व्यक्ति ब्यावर निवासी थे और हमारे पास 13 तारीख को आए थे. 13 तारीख को उनको पेशाब की तकलीफ थी. जब उनके पेशाब वाले डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने ऐसा लगा कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा. और ऑपरेशन से करने से पहले उनको जो कोविड टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आने के बाद इनको पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया. पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट होने के बाद जब इनके बाकी सब जाँचें करी तो पता लगा इनको प्रोस्टेट का कैंसर भी है. काफ़ी दवाइयाँ दी, प्रोस्टेट कैंसर की दवाई भी चालू करी, लेकिन पिछले 2 दिन से 3 दिन से ही ऑक्सीजन पर थे. कल इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई, इनको वेंटिलेटर पर लिया गया. आज सुबह करीब 7:15 और 7:30 के आसपास इन्होंने दम तोड़ दिया. इसके अलावा अभी हमारे पास में 10 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में हैं, जिनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, बाकी 8 मरीज बिना ऑक्सीजन के हैं. जो अभी की कंडीशन हमसे लगता है कि 3 या 4 पेशेंट आज हम शायद कोविड केयर सेंटर में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, उनकी रिपोर्ट आनी ड्यू है. सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 13 पेशेंट हैं अभी और वो सभी मरीज़ ठीक हैं, उनमें से किसी की हालत ठीक तो कभी जी वर्षीय पुरुष थे, ब्यावर निवासी थे. तो उनके जो बेसिक मेन कारण जो हम समझते हैं, एक तो उनकी उम्र ज़्यादा थी, दूसरा उनको प्रोस्टेट का कैंसर था, तीसरा उनको डायलेटेड निमोनिया था जो कोरोना में होता ही है. आज कोई नया केस भी आया क्या? अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें तो कोई नया केस नहीं है, लेकिन अभी भी 3-4 बजे के आसपास रिपोर्ट और आती है वो हम आपको कवर कर देंगे. जैसे भी बोला ना, वो शायद आप इशारा कर रहे थे. लोग मीटिंग करते हैं, आप लोग इधर आ जाओ. तो हमने देखा इस पास वाले में बोल रहे हो. सॉरी, वो बीच पहले ही फोन कर देते थे.